हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ क्लास टेंथ आईसी फ्रॉम सेलिना कॉन्साइज बुक एक्सरसाइज फाइव डी का ट्वेंटी तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स ये मिस्टेक मुझसे रह गया था तो मैंने यहाँ पे आरो डाल के लिखा है रियल एंड इक्वल रूट्स आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इससे पहले भी हमने तीन सम किया है जिसमें हमने बिल्कुल इसी तरीके से एम की वैल्यू निकाली थी तो उसे थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या किया था इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे उसने बोला एम की वैल्यू निकालो जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं और साथ में आप लोग इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करो इक्वेशन का बट जो हम ट्वेंटी सम करने जा रहे हैं उसमें सिर्फ उसने इतना बोला है कि एम की वैल्यू निकालो सॉल्यूशन निकालने को नहीं बोला एक और बार नोटिस करना कि यहाँ पे जो एम है वो एक ही बार है इस इक्वेशन में बट जो हमारे पास ट्वेंटी सम है उसमें एम जो है वो दो बार दिया गया ठीक है एक ये वाला एम और एक ये वाला एम तो इक्वल रूट न सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट लगाने के लिए एबीसी की वैल्यू चाहिए ए आ गया आपके पास वन बी और सी की वैल्यू निकाली फिर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मला लगाया बी स्क्र माइनस फोर ए सी बी स्क्वेयर मतलब इस सारी वैल्यू का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो टू का स्क्वायर आ जाएगा फोर इसका होल स्क्वायर बन जाएगा फोर इंटू वन फोर ये चीज एज इट इज अब एम माइनस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी इस फोर को अंदर मल्टीप्लाई करो फोर इंटू एम फोर फाइव जै ट्वेंटी ये नेगेटिव साइन है बाहर तो प्लस माइनस माइनस इधर भी प्लस माइनस माइनस इधर भी अब फोर को अंदर सभी टर्म्स के साथ किया मल्टीप्लाई ये चीज़ आ गई आपके पास इसको फर्दर सोल्व करो एम स्क्य वाली टर्म ये दोनों एम mm एम वाली है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेंटी माइनस फोर कितना जाएगा सिक्सटीन बड़े के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव सिक्सटीन आएगा माइनस सिक्सटीन अब हमें उसने बोला था कि जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो देर फॉर डिस्क्रिमिनेंट शुड भी इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रूट्स तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये वाली है तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू जीरो अब ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है ध्यान से देखना ठीक है तो जैसे हम क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि आपको देखना होएगा कि यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन लगा सकते हो या कौन सा मैथड लगा सकते हो तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये देखिए फोर है यहाँ पे ट्वेल्व है यहाँ पे सिक्सटीन है ट्वेल्व और सिक्सटीन दोनों फोर के मल्टीपल है तो हम फोर को कॉमन निकाल लेंगे अंदर क्या बच जाएगा एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो ये फोर उधर जाएगा तो जीरो बाई फोर ये वैनिश हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब बचा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो अब आपको इसके बनाने हैं फैक्टर ठीक फैक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कॉन्स्टेंट टर्म और जो एम स्क्वायर का कफिशियंट है उन दोनों को किया मल्टीप्लाई अब जो मिडिल टर्म है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं कि प्लस माइनस करने पर आए हमारे पास थ्री और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए फोर तो यहाँ पे जो फैक्टर हैं बहुत इजी है यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास एम स्क्वायर हमें क्या चाहिए प्लस माइनस करने पर थ्री चाहिए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो माइनस फोर एम प्लस एम माइनस फोर इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस थ्री मिल जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो फोर मिल जाएगा अगर आप लोगों को फैक्टर बनाने में प्रॉब्लम आती है तो उस पर मैंने अलग सी वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने ट्रिक बताई है आप लोग बहुत इजीली फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसे देख लेना अब यहाँ पे इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है एम कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकाल दिया एक एम बच गया माइनस फोर अब यहाँ पे भी हमें बिल्कुल वैसी ब्रैकेट बनानी होती है तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके देखो क्या इनमें कुछ फर्क तो नहीं है नहीं फर्क नहीं है बिल्कुल सेम है जब फर्क नहीं होता तो हम प्लस वन बाहर लिख देते हैं एम माइनस फोर अब ये ब्रैकेट सेम होगी एम माइनस फोर एम माइनस फोर इन दोनों में से इसको निकाल दिया कॉमन अंदर क्या बच गया आपके पास यहां बच गया एम इधर क्या बच गया प्लस वन इज इक्वल टू तो जीरो दो का प्रोडक्ट कब जीरो होता है इधर फर्स्ट इज इक्वल टू जीरो और सेकंड इज इक्वल टू तो जीरो इसमें से एम की वैल्यू आ गई फोर इसमें से कितनी आगी माइनस वन ये आपके पास एम की वैल्यूज़ आ गई अब यहाँ पे उसने सिर्फ इतना ही बोला कि आप लोगों को एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आगे फर्दर सॉल्व करने को नहीं बोला तो यही तक आपका जो है वो आंसर आ जाएगा ठीक है जी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए